ये हर थोड़ी देर में मुझसे ये टेप निकलवा के जा रही है, और अब मैंने सोचा मैं देखूं तो ये कर क्या रही है। आयशा ये क्या किया? What is this, Aisha? What have you done? What have you done? Huh? Who did this? Who did this? Who did this? Who did this, Abdullah? And you didn't stop her? Assalamu alaikum pretty people, I hope everyone is doing well and having a great day. So welcoming you all back to our channel with a very new video. और आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट होगा, और आज हम घर में रहेंगे। अपडेट्स आपको देते हैं वीडियो के बारे में, बट डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आ जाया करें वीडियोज़ के बारे में। अच्छा, बच्चों को थोड़ा बिजी कर दिया है मैंने टॉयज एंड कार्टून में, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, और अब चलें आपको अपडेट्स देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपडेट ये है कि आज हमारे घर है दावत। जी हाँ, तो उसके बाद अभी हो रही है तैयारी। ये बन रहा है मीठा, ये देखें दूध बस होने वाला है बॉयल, और बस फटाफट सा मीठा बनाऊँगी। तो मैं शुरखुरमा डालूँगी और मैं डालूँगी बर्फ़ी, तो बहुत मज़े का बनेगा। और ये बन रही है मलाई बोटी, और ये देखें ये गोश हो रहा है फ्राई। इसमें डाली है मैंने बस तेल डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और प्याज डाली है, ब्राउन प्याज करके डाली है, और इसको मैंने थोड़ा फ्राई होना है। उसके बाद और भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डालेंगे। तो यही है अभी की अपडेट, और दावत है तो बस जल्दी जल्दी काम करना। और ये देखें बस दूध हो गया बॉयल, तो अब इसमें इसका काम करना शुरू करते हैं जल्दी से। और बच गया, ये बॉयल होने से बच गया। अच्छा चलें जल्दी जल्दी काम करते हैं। अच्छा बस हो गया है बॉयल, तो अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ये शीरकुरमा मिक्स। लजीजा का शीरकुरमा मिक्स आता है तो बहुत आसान होता है शीरकुरमा बनाना। सो ये डाल दिया है, और अब इसको जल्दी से करते हैं मिक्स। इसको डालने के बाद सही से मिक्स कर लें ताकि जो है ना सही से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए इसके अंदर सब कुछ ही होता है, बादाम भी होते हैं और सेवैयाँ जो होती हैं इसकी जो होती हैं वो फ्राई हुई भी होती हैं, आपको पता ही होगा। ऑफ कोर्स सबने यूज़ किया होगा क्योंकि लजीजा तो बचपन का हमारा प्रोडक्ट है। देखिए ये हो रहा है मिक्स, साथ में गोश्त हो गए हैं ऑलमोस्ट फ्राई, बस थोड़ा और था कि इसके रेडिश कलर आए। और वो फ्राई जब हो जाता है ना चिकन, वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, आपको पता ही होगा। मैं कोई प्रो तो नहीं हूँ कुकिंग में, बट स्टिल शोइंग टू बी अ प्रो। जूस ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये रिफिल तो नहीं होगा, ख़त्म हो गया तो हो गया। जूस का रख के चली गई है डब्बा, इसको कर दिया हमने, फेंक दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें बर्फ़ी, और बर्फ़ी का सिर्फ ये टुकड़ा बचा है क्योंकि और सब खा गए हैं सब मिलकर, बस जो बचा है वही डालिए। और बस कभी सही से मिक्स कर लें। आज बहुत गर्मी है, और आज बहुत गर्मी है, सभी स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा महफूज रहें, ज़्यादा ज़्यादा घर में रहें। बट ऑफकोर्स बाहर जाना ही पड़ता है, जो काम करने जाते हैं बेचारे हमारे मर्द हजरात हैं तो जाते हैं, लेकिन बहुत ख्याल करें और पानी पीते रहें, बी हाइड्रेटेड। ये बस हो गया फ्राई, और ये भी हो रहा है, बस इसके थिक होने का इंतज़ार करना है, उसके बाद ये रेडी है। तो और ये मैंने कर दिया है, इसकी जो दही का काम है वो हो गया है। अच्छा दही को फेंट लिया है क्योंकि आपको पता है वो जो फिर दाने दाने जो होता है ना वो साधन में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं, इसलिए उसको ना हमेशा मिक्स करके डालें ताकि वो जो है ना दाने नहीं आए और थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे आपका जो है ना साधन। ये दो और हम इसको डाल देते हैं सारी दही को अंदर। ठीक है, अब 2 किलो गोश्त में चिकन में हमने ये डाल दिया, आधा किलो और आई गेस पौना दही थी दूसरे उसमें, तो वो पूरी डाल दी हमने। गुजारा नहीं करते हैं तो उसको सही से निकाल के डालते हैं। निकाल के हमने कर दिया है सही से मिक्स, उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा जो है भुना हुआ, और पिसा हुआ डालेंगे ज़ीरा, ऑलमोस्ट हम डालेंगे 2 चम्मच को डालेंगे, एंड थोड़ा सा और दैट्स इट। अच्छा जी, अब ज़ीरा के बाद हम डालेंगे काली मिर्ची, अपने अंदाजे से डालें आप ऐसे कितनी मिर्ची सही लगती है आपको, दैट्स इट। और काली मिर्च डालने के बाद ब्लैक पेपर डालने के बाद अब आया है टाइम वाइट पेपर का, तो वाइट पेपर डालते हैं, वाइट पेपर भी अपने अंदाजे से ही डालें। ओके ये हो गया वाइट पेपर,
ये इसको भी देख लेते हैं साथ में। अच्छा जी, अच्छा उसमें सब डाल के मैंने मिक्स कर दिया है, बस उसका लास्ट इंग्रेडिएंट बचा है वो है नमक। मुझे पता चला नमक तो है नहीं, तो करेंगे पीपले। तो अब इसमें डाल देते हैं नमक, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट फर्स्ट। ओके जी, तो बस अब इसको मिक्स करके अच्छे से अब के लिए छोड़ देंगे और इसको देख लेते हैं। इसमें अभी भी टाइम है, गाढ़ा होने में टाइम है, क्योंकि मुझे लगता है शीरखोर में जो है ना पतला अच्छा नहीं लगता, गाढ़ा होता है तो फिर टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पतला नहीं लगती, मैं अच्छा से थिक सा रखती हूँ शीरखोर में। वैसे ठंडा होने के बाद भी थिक होता है, तो अभी मैं मॉडरेट से रखूँगी और ठंडा होने के बाद बहुत अच्छे से थिक हो जाता है, फिर वो बहुत मज़े का लगता है। उसमें टेस्ट भी जो होता है ना, जो दूध को सुखा के करते हैं ना, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फिर उसमें आपने बर्फी भी डाली हुई है ऑफकोर्स, फिर टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ओके जी, तो बस ये तैयार तो हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे दूध। जी हाँ, इसमें दूध भी जाएगा, बस हाफ पैक ऑफ दूध है जना, आपसे थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है मैंने, ये हो गया है। अच्छा, साथ में ये मैंने डिश आउट कर दिया था। जी हाँ, शीरखुरमा तैयार है और ये डिश आउट कर दिया है, और बस ये ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर इसको मज़े से हम इंजॉय करेंगे। आप देखेंगे कितने मज़े का लग रहा है, ये देखेंगे थिक है, सही है। तो शीरखुरमा हो गया और साथ में ऑलमोस्ट दूध डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। इसमें डालना है हम हाफ पैक ऑफ फ्रेश क्रीम, हाफ जो है हम उसको रखेंगे गार्निशिंग के लिए, और ये हमने हाफ डाल दिया, और अब इसको कर लेना सही से मिक्स मिक्स। और ये देखें आप कितना थिक से इसका लुक आ गया है फ्रेश क्रीम के बाद और दूध के बाद, के कलर से पता चल रहा है। और बस ये हो गया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बस इसको थोड़ा सा हम इसको और थिक कर लें और भून लें, और इसके बाद हम इसको खुला कर देंगे बंद और इसको इन्जॉय कर देंगे। अच्छा, इसका थोड़ा मैं ज़्यादा रखूँगी ग्रेवी, बिकॉज मुझे इसको सर्व करना है चावल के साथ विद राइस, यस मिक्स वेजिटेबल राइस बनाऊँगी तो उसके साथ सर्व करना है, इसलिए मैं थोड़ा इसको थिक रखूँगी। सो शुक्र है काम हो गए हैं ऑलमोस्ट, बस अब सैलड बनाना है हमें, सैलड और ऑफ कोर्स अब बनाना है चावल। ओके जी, तो आप शीरखुरमे को रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में आ गया है और इतना गर्म नहीं है, तो अब इसको हम रख रहे हैं फ्रिज में। ओके जी, तो किचन भी कर लिया हमने साफ और चूल्हा कर लिया है बंद, अब बस बनेगा चावल, सैलेड एंड रायता, तो वो मैं करूँगी तैयार होने के बाद, क्योंकि मगरब हो गई है, तो अब रेडी हो जाते हैं। बस साथ में थोड़ा घर सेट कर लेते हैं, एक तो पूरे दिन में 10 बार तो घर सेट करना पड़ता है, तो घर सेट कर लेते हैं।
जी, तो घर की सफाई भी हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गया, प्रेजेंटेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, ऑलमोस्ट डन विद ऑल द वर्क। चावल प्रिपेयर करने के लिए कर देते हैं और उसके बाद वी विल गेट रेडी। चावल जो है वो प्रिपरेशन के लिए रख दूँ। अच्छा, हम साथ में ना डब्बे का सीख कबाब करेंगे। सीक्रेट है, बताना नहीं है किसी। तो चावल को थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद ही जाकर देखा देते हैं। कौन डालेंगे? और साथ में मिक्स वेजिटेबल्स और उसके बाद डालेंगे नमक। इंजीनियर अब टाइम टू वायरिंग द क्लोथ्स। सो मेरा ड्रेस प्रेस हो गया है, सो लेट्स गेट रेडी। ओके, नाउ वी आर बैक इन द किचन और बस चावल को मैंने डाल दिया है पानी में और अब चावल प्रिपेयर करते हैं और पुलाव बना लेते हैं। A few moments later. चावल ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन बस लेट्स होप कि ये गीला नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं नहीं होगा इंशाल्लाह। तो दम पे छोड़ देते हैं। ये पता नहीं क्या था। खैर, नाउ वेटिंग फॉर द गैस और एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, सो दावत हो चुकी है, एवरीवन हैज गॉन और बहुत बर्तन मैंने धो लिए हैं, जगह पे भी रख ली हैं, अभी भी बहुत सारे बर्तन हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं दावत के बीच में अपडेट तो नहीं कर पाई, बट स्टिल लेट मी शो यू समथिंग दैट आई गॉट टुडे। दिस क्रिस्टल ब्यूटीफुल सेट, ग्लास सेट गिफ्ट में मिला मुझे आज, और साथ में वी हैव गॉट मिठाई एज वेल। यस, बहुत मज़े की मिठाई भी आई है। अच्छा, ये देख सकते हैं, लेफ्ट ओवर फूड इन द फ्रिज ऑफ कोर्स, और ये यही मिठाई, इसमें से मैंने दो तीन खा भी ली मैंने, बहुत मज़े की मिठाई भी थी। और उसके बाद माय सिस्टर गॉट मी आइसक्रीम, माय फेवरेट आइसक्रीम, लेट्स सी दैट। बच्चों के लिए भी छोटे से गिफ्ट्स आए हैं, जैसे कि ये है अब्दुल्ला के लिए, एंड कितना अच्छा सा ये बॉक्सिंग पैड है, एंड दिस लिटिल क्यूट किचन सेट फॉर गुड़िया रानी, और वी हैव गॉट दिस कार एज वेल फॉर अब्दुल्ला, एंड एट लास्ट वी हैव गॉट दिस इरिटेटिंग सा खिलौना, अ वेरी इरिटेटिंग। So that's it. So that's all from a very busy end. Alhamdulillah, mashallah, happy day. And kids are almost asleep. But ye choti so jaye. So now we are planning to watch Multiverse of Madness finally. तो आज देख ही लेंगे हम Multiverse of Madness, Doctor Strange 2. So that was all for today. I hope you liked the video. Do subscribe, comment, like, share. Allah Hafiz till the next time. Take care. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good.